गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ उससे आप पूरा फायदा उठा रहे होंगे। अपन अपनी इस YouTube चैनल की वीडियो सीरीज में आज एक छोटी सी चर्चा और करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की सेक्शन 3 की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, भाग 2 के अध्याय 2 में सेक्शन 3 में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उनमें लोकपाल संस्था के गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस चेक या प्रतिबंध या निर्बंधन या प्रतिषेध लगाए जाते हैं एक बार अपॉइंटमेंट के बाद में, इन चीज़ों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पिछले वीडियोस की बातें अपन फिर एक बार इसकी चर्चा जो है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने मौजूद है। प्रश्न मैंने लिया है, लोकपाल की स्थापना व संगठन पर टिप्पणी लिखी है। ये 5 और 15 नंबर वाले प्रश्नों की सीरीज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप जो चार चीज़ ध्यान में रखेंगे, नोट्स का सिस्टम वही रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 3 के खंड 1 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोकपाल नामक निकाय की स्थापना की जाएगी तथा इस निकाय का गठन जिनसे मिलकर होगा उसका उल्लेख धारा 3 के खंड 2 में निम्नानुसार है। तो देखिए, इस अधिनियम की धारा 3 के प्रथम खंड में ये बताया है कि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में लोकपाल नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी और इस लोकपाल का गठन या इसका कंपोजिशन जो है वो किन पदाधिकारियों से या कार्मिकों से मिलकर बनेगा, इसका उल्लेख सेक्शन 3 के खंड 2 में दिया गया है। तो देखो, सेक्शन 3 के खंड 2 में जिन लोगों से मिलकर इसके बनने की बात कही गई है वो है, एक अध्यक्ष होगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। देखो, इसका जो एक अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष या तो वर्तमान भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो एट प्रेजेंट है या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करने वाला व्यक्ति जो है वो लोकपाल नामक संस्था का अध्यक्ष बनेगा। दूसरा इसमें ऑप्शन जो है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है। तो देखिए, चीफ जस्टिस वर्तमान या पूर्व है या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व है। और तीसरा ऑप्शन इसमें है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रख्यात विधिवेता रहा है, कानून का प्रख्यात विशेषज्ञ जैसे कानून की किताबों का लेखक है या फिर कोई लॉ प्रोफेसर है जिसके पास कानून का अच्छा अनुभव है, इनमें से कोई पात्रता पूरा करने वाला व्यक्ति जो है वो लोकपाल नामक संस्था का अध्यक्ष होगा। तो ये पहले अध्यक्ष के बारे में कौन हो सकता है, तो इसमें आप इतने देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है अध्यक्ष, या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, या कोई प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञ इस संस्था का अध्यक्ष हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो आपके सामने है इसमें ध्यान में रखनी है अगले सदस्य के संबंध में, तो ये देखिए बी में जो दिया है, उतने सदस्य जो 8 से अधिक नहीं होंगे, मतलब लोकपाल के अध्यक्ष के अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर जो है इस संस्था में और रखे जा सकते हैं जिनमें 50% सदस्य न्यायिक होंगे। देखिए, अध्यक्ष जुडिशियल बॉडी है और बाकी जो 8 हैं अधिकतम, उनमें से 4, 5, 6, 7 जितने भी नियुक्त किए जाएंगे उनमें से आधे लोग जो हैं वो न्यायिक विशेषज्ञ होंगे या न्यायिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले होंगे। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन, इसका एक अपवाद और जो है वो क्या है, किंतु लोकपाल के सदस्यों के 50% से अन्यून सदस्य एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या संबंधित वर्गों की महिलाओं से होंगे।
तो देखिए एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग और इन वर्गों से संबंधित महिलाओं का कोरम जो है वो मिनिमम 50% होगा, 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो उधर देखिए लोकपाल के सदस्यों में से मिनिमम 50% न्यायिक सदस्य है और इन न्यायिक सदस्यों का भी जो कोरम है वो मिनिमम रिजर्व कैटेगरी से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पुरुषों या महिलाओं से मिलकर पूरा होगा, ठीक है। इस प्रकार लोकपाल निकाय में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। तो लोकपाल का जो कंपोजिशन या संगठन है वो अधिकतम 9 सदस्यों का हो सकता है। दूसरा जो सवाल अपने को इसमें डिस्कस करना है, तो देखो इसमें लोकपाल में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यता क्या रखी गई है, कि ये यूं ही अपॉइंट किए जा सकते हैं या इनकी योग्यता के संबंध में ये अधिनियम जो है वो किसी प्रकार का खास प्रावधान करता है। तो इस संबंध में इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए, पूरा नोट आपके सामने है। क्या है इसमें, देखो अधिनियम की धारा 3 के पहले क्लोज में ये कहा गया कि लोकपाल नाम की एक संस्था होगी। दूसरे क्लोज में ये कहा गया कि लोकपाल की संस्था का कंपोजिशन जिन अधिकतम 9 सदस्यों से 1+8 के पैटर्न में होगा उसमें कौन कौन हो सकते हैं, और इस अधिनियम की धारा 3 के खंड 3 में या सबसेक्शन 3 में उन सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनको लोकपाल नामक संस्था में शामिल किया जाएगा। क्या योग्यता है इनके लिए, तो इसमें पहला बिंदु जो सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में डिस्कस किया गया है वो है कि किसी न्यायिक सदस्य के रूप में वही व्यक्ति नियुक्ति का पात्र होगा जो या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। तो देखो उधर अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे वो लोकपाल के अध्यक्ष की बात कर रहे थे, अब उन न्यायिक सदस्यों की बात कर रहे हैं जो मिनिमम अन्य सदस्यों में 50% होंगे, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस हो सकते हैं या हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की कंडीशन में चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट की बात है तो कोई भी जस्टिस हो सकता है। दूसरे बिंदु में यह कहा गया है कि न्यायिक सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के रूप में वही व्यक्ति पात्र होगा जो निर्दोष सत्यनिष्ठा उत्कृष्ट योग्यता वाला है तथा उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सतर्कता वित्त मीन्स फाइनेंस जिसके अंतर्गत बीमा और बैंक सेवाएं भी शामिल है विधि के तौर पर प्रबंधन में संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो देखिए या तो विधि और प्रबंधन में उसके पास ज्ञान हो और मिनिमम कितना होना चाहिए 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर इन न्यायिक सदस्यों में किसी भी सदस्य की अपन बात करें तो मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 25 साल का होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो अधिनियम है ये न्यायिक सदस्यों के लिए भी एक विशेष अनुभव की मांग करता है। इसके बाद में अपन जो तीसरा सवाल इसमें डिस्कस करेंगे उस सवाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन वन बाय वन इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल इसमें हम करेंगे लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिषेध क्या है या निर्बंधन क्या है, मतलब जिस व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उसके पास किन मामलों में डिसक्वालिफिकेशन आ जाती है या किन मामलों के लिए उन्हें नॉट क्वालिफाई माना जाता है, इसका उल्लेख जो है वो अधिनियम की धारा 3 के खंड 4 में या अधिनियम की धारा 3 के सबसेक्शन 4 में इस बात को डिस्कस किया गया है, जो क्या है कि अधिनियम की धारा 3 के खंड 4 के अनुसार निम्न व्यक्तियों को लोकपाल में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो देखो एक बार यदि कोई व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बन जाता है तो उसके पास किन किन क्षेत्रों की डिसक्वालिफिकेशन आ जाती है, तो पहला देखिए आप इसमें जो संसद या राज्य या संघराज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य है तो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का जो मेंबर है वो नहीं हो सकता। कौन? जो आदमी एक बार लोकपाल संस्था में काम कर चुका बतौर अध्यक्ष या सदस्य। दूसरा है जो नैतिक अदम्यता वाले किसी अपराध के लिए सिद्धोष हो, अगर इथिकली उसे क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है, सिद्धोष का मतलब होता है कि
साबित हो चुका है कि वो एथिक्स की दृष्टि से या नैतिक अदमता का दोषी है, तो उसे इस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। फिर इसमें जो अपने पद ग्रहण की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का है, तो देखो लोकपाल का सदस्य बनने के लिए या अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम 45 वर्ष की आयु है। तो देखो लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर लोकपाल का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता। नैतिक अदमता का दोषी जो है वो लोकपाल का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 45 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका वो लोकपाल संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। इसके बाद में चौथी जो अयोग्यता है, जो किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य हो। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में शासन की त्रिस्तरीय ढांचे की कल्पना की गई है, और इस त्रिस्तरीय ढांचे में किसी भी सरकार का सदस्य यदि है ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, तो वो व्यक्ति लोकपाल का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसके बाद में पांचवा बिंदु इस चौथे खंड में जो डिस्कस किया गया वो है कि जो संघ या राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो या पदच्युत कर दिया गया हो, तो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से उसे यदि हटाया गया है या उसे टर्मिनेट किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी लोकपाल संस्था का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन पाएगा। छठा बिंदु इसमें जो डिस्कस किया गया है, यदि वह किसी न्यास या लाभ के पद पर आसीन है या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है या किसी कारोबार या वर्ती में लिप्त है, तो वह जिस डेट को अपने पद को ग्रहण करना चाहता है उससे पहले इनमें से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी किसी न्यास में ट्रस्टी है तो ट्रस्टी के पद से त्यागपत्र देके ही वो इसमें सदस्य बन सकता है लोकपाल में, या किसी राजनीतिक दल का सदस्य है तो उस सदस्यता को त्याग कर ही वो ऐसा कर सकता है, या किसी कारोबार या वृत्ति में लिप्त है तो उस कारोबार या लिप्ति वृत्ति से त्यागपत्र देके या उससे हटकर ही कर सकता है, या अगर किसी कारोबार का संचालन कर रहा है या उसका मैनेजमेंट देख रहा है तो उस कारोबार को बंद करके ही वो व्यक्ति जो है वो लोकपाल नामक संस्था का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, यहाँ ये कुछ निर्बंधन या प्रतिषेध या यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से उसके लिए उसे नॉट क्वालिफाई करने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अपन ने इसमें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो अपने को इसमें डिस्कस करना है वो, अभी देखो आपको पता है कि अपने देश में अभी एकमात्र जो लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं वो पीसी घोष हैं, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सवाल तब तक रहेगा इम्पोर्टेंट जब तक अगले लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो इसमें सवाल दे कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति के बारे में बताइए। तो फर्स्ट लोकपाल के अपॉइंटमेंट के बारे में देखो क्या है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, और इनकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी वाली चयन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। हालांकि उस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा जो कांग्रेस प्रतिपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, उसकी ओर से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समिति में इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी राय देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी, रंजन गोगोई, सुमित्रा महाजन और मुकुल रोहतगी, इन चार लोगों की चयन कमेटी ने जो सिफारिश की, उस सिफारिश के आधार पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।